व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। रेसिपी का नाम है मटन शामी कबाब। हमने बीफ शामी कबाब तो आपको बनाना सिखा दिया, आज हम लेके आए आपके लिए एक न्यू रेसिपी, मटन शामी कबाब, रेशेदार शामी कबाब बनाने का आसान तरीका। वो कैसे बनाते हैं, आप हमारी वीडियो के साथ कनेक्ट रहें, देखते रहें। और कबाब हर घर में बनते हैं, चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो ईद हो, किसी की दावत हो, कबाब तो हर घर की रौनक है, समझें आप। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। मटन शामी कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम हमने मटन लिया है बोनलेस है। ये यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ 250 ग्राम चने की दाल ली, जिसे हमने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 अदद लहसुन के जवे लिए हैं। और यहाँ हमें ऐड करने स्पाइसेस, ये मेन चीज़ है मटन शामी कबाब की, इंग्रेडिएंट्स। इसके बगैर हमारे शामी कबाब इनकम्प्लीट हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, गोल लाल मिर्च लेंगे हम 5 अदद, 2 अदद तेज पत्ते, 4 अदद हरी इलायची, 1 अदद दालचीनी के स्टिक, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे कबाब मसाला, 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 4 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक। तो ये चीज़ें चाहिए हमें मटन शामी कबाब बनाने के लिए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते रहेंगे, मज़ीद चीज़ें जो ऐड करते जाएंगे। हम चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी, और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। पोट लिया, पोट के अंदर 750 ग्राम गोश्त ऐड कर दिया मटर का बोनलेस। अब इसके अंदर ऐड कर दिए 3 घंटे पहले भिगो के रखती थी चने की दाल, 250 ग्राम ये चने की दाल है, 750 ग्राम वो। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन, 12 अदद लहसुन के चबे और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने 2 अदद मीडियम साइज की प्याज ले ली थी, जिसे हमने स्लाइस में कटिंग कर ली, इसको हम ऐड कर देते हैं। शुरू के अंदर बताना भूल गए। साबुत धनिया, नमक, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, कबाब मसाला, जीरा, दालचीनी के स्टिक, हरी इलायची, तेज पत्ते, साबुत लाल गोल मिर्चें और लौंग और धनिया उसके अंदर ऐड करेंगे तमाम स्पाइसेस के साथ। और इसके अंदर ऐड कर देंगे हम 2 ग्लास पानी। 2 ग्लास पानी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, फ्लेम पर कुक करेंगे हम इसे अच्छी तरीके से। मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को, सब लो फ्लेम पर, इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, इसे हम लो फ्लेम पर कुक करेंगे। ऐसे हम कवर करके रखते हैं गोश्त और चने की दाल गलने तक। फिर आपको दिखाएंगे कुछ घंटों के बाद इसकी कंडीशन, गोश्त टेंडर हुआ है, चने की दाल टेंडर हुई है नहीं, इसका लुक देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। हाँ देख सकते मटन और चने की दाल अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है, इसका कवर हटा के आपको उसका लुक दिखा देते हैं। मुकम्मल तौर पर टेंडर हो चुके हैं, देख सकते हैं दाल और गोश्त अच्छी तरीके से टेंडर हो चुका है। इसमें से हम 3 चीज़ों को निकालते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं ये आपको बताते हैं। दालचीनी की स्टिक निकालेंगे, देख सकते हैं दालचीनी की स्टिक और बड़ी इलायची, हमने तेज पत्ता निकाल दिया है उसको, हमने तमाम चीजें इसमें से निकाल दिया। इसको हम मैश करेंगे मैशर की मदद से। रेशा बनाने के लिए आपको इसमें चॉपर में डाल के उसे पीसना नहीं है, बल्कि मैशर से दाल घोटी से घोट सकते हैं इसे। देख सकते हैं मैं घोट रही हूँ अच्छी तरीके से इसको मैशर की मदद से, तभी तो आपके रेशेदार शामी कबाब बनके रेडी होंगे। चॉपर में आप डाल देंगे तो पीस तो जाएंगे, ये बिल्कुल बारीक हो जाएंगे, ये रेशेदार कबाब बनके तैयार नहीं होंगे। हमें अच्छी तरीके से इसे घोटना है। इसमें आए तो सब्सक्राइब करें बगैर बिल्कुल मत जाएं। बनाने रेशेदार शामी कबाब, ये देखें कितना रेशा है, चने का में गोश्त ज्यादा है, ऐसे ही आपको बनाने। कबाब बहुत ही ज्यादा अच्छे बनते हैं और सबको बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। हर घर में कबाब बहुत शौक से खाए जाते हैं। पीसना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको घोटना है। हमने इतने तमाम चीजें गला ली है तो इसको पीसने की जरूरत है ही नहीं। ये देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से घोट दिया है। हमने शामी कबाब की जो कीमा था उसको अच्छी तरीके से हमने मैश कर लिया, पीस लिया है इसको हाथ की मदद से ही। तो ये देख सकते हैं इसमें तमाम चीज़ें निकली, हमने इसको रिमूव कर दी, वरना ये मुंह में आती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, कबाबों का मज़ा बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए आपको भी बिल्कुल निकालना है। चलो माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं हमने कबाबों को मिक्सर को अच्छी मैशर की मदद से मैश कर लिया था। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा, हम अंडा कोट नहीं कर रहे हैं, हम इसके अंदर ही ऐड कर रहे हैं, ये आपकी बचत हो जाएगी। हमने 1 अदद अंडा इसमें ऐड, अंडा डालने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड करें। इसके अंदर ऐड करेंगे हसबे ज़रूरत हरा धनिया, हसबे ज़रूरत पुदीना, हसबे ज़रूरत हरी मिर्चें, तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, मज़ेदार से हमारे मटन शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। मटन शामी कबाब वो भी रेशेदार शामी कबाब, मटन शामी कबाब हमारे रेडी हो जाएंगे। ये हमने रेशेदार कबाब बनाए, हमने चौखर में बिल्कुल नहीं पीसे, क्योंकि अगर हम चौखर में पीसे तो बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, इसलिए हमें रेशा नहीं बनता, हमें रेशेदार कबाब बनाने, इसलिए हमने हाथ से इसको मैशर की मदद से मैश कर लिया है। तो बहुत ज़बरदस्त रेशेदार कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, तोड़ के भी दिखाऊंगी मैं आपको। हाथों की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं तमाम चीज़ें डाल के से अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए। इसके बनाएंगे अब कबाब। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, यहाँ देख सकते हैं हम इसे अच्छी तरीके से कबाब का शेप देंगे। ये देख सकते हैं राउंड शेप दे दिया हमने कबाब का, जैसे होता है कबाब शामी कबाब वैसे ही इसका शेप। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं हमने शामी कबाब को रेडी कर लिया। इसी तरीके से तमाम शामी कबाब को हम करेंगे रेडी। देख सकते हैं मटन शामी कबाब को हमने शेप दे दिया, शामी कबाब का इसको हम करेंगे फ्राई। यहाँ देख सकते हैं एक पैन लिया, पैन के अंदर हमने हसबैंड से ऑयल डाली, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर ऐड कर देंगे शामी कबाब। यहाँ देख सकते हैं उसके अंदर ऐड करेंगे वन बाय वन करके शामी कबाब। यहाँ हमने वन बाय वन करके यहाँ शामी कबाब ऐड कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हमने शामी कबाब को उसमें ऐड कर दिया। जब एक साइड से ही कुक हो जाएंगे तो उसके हम साइड को कर देंगे चेंज। हाँ इसको कर रहे हैं साइड को चेंज। यहाँ देख सकते हैं कि ये कुक हो रहे हैं मटन शामी कबाब, ये एक साइड से कुक हो चुके हैं, इसकी सेकंड साइड हमने इसकी चेंज कर दी है। दोनों साइड से बेहतरीन सकते हैं शामी कबाब को हमने बगैर अंडे के फ्राई करके दिखा दिया। ये देख सकते हैं कितना खूब, मैरिनेशन के अंदर अंडा डाला था, उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लिया फौरन ही, हमने इसमें अंडे के अंदर कोट बिल्कुल नहीं किया था, तो इसका ये लुक आ चुका है। इसी तरह तमाम बैच को फ्राई कर लेंगे, मगर अभी हम अंडे के अंदर कोट करके हुए दिखाएंगे आपको उसका लुक कैसा है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो होते हैं ना कबाब शामी कबाब, तो हम अंडे के अंदर कोट करके ही खाना पसंद करते हैं। हमने अंडा तो डाल दिया था, मगर हम इसके और दोबारा कोट करेंगे अंडे के अंदर, फिर आपको दिखाएंगे उसका लुक जो हम खाना पसंद करते हैं। चलो यहाँ देख सकते हैं कि हमने बगैर अंडे के भी आपको कबाब फ्राई करना सिखा दिए। एक साइड से बेहतरीन सा कलर आ चुका है, उसकी साइड को भी हमने चेंज कर दिया। इसी तरह तमाम कबाब को हम फ्राई कर लेंगे। मसाला बनाया था उसके अंदर हमने एक अदर अंडा डाल दिया था, उसके बाद हमने इसको कोट नहीं किया अंडे के अंदर। अंडे के अंदर कोट करके फिर आपको दिखाते हैं, तो बगैर अंडे के अंदर कोट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ हमने अंडा बीट कर लिया एक अदर, इसको हम कोट कर रहे हैं कबाब को, शामी कबाब को अंडे के अंदर कोट करेंगे, इसको ऑयल के अंदर फ्राई, जो हम खाना पसंद ज़्यादा करते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से शामी कबाब बनते हैं और इस तरीके से हम खाना पसंद कर रहे होते हैं अंडे के अंदर कोट करके, हम ऐसे ही खाते हैं घर में। शामी कबाब रेशेदार शामी कबाब बनके तैयार हो रहे हैं, अंडे के अंदर हमने कोट करे थे वो वाले शामी कबाब। यहाँ इसकी हम साइड को कर रहे थे, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसका लुक आता जा रहा है, कितना बेहतरीन से ये बनके रेडी हो रहे हैं। ये देख सकते हैं एक साइड से अंडे वाले शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हम तमाम बैच को फ्राई कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मटन शामी कबाब हो चुके हैं कंप्लीट रेडी। से हमने गार्निश करा है रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। एक हमारे हो चुके हैं ये अंडे वाले कबाब रेडी, जो हमने अंडे की कोटिंग करी, और ये है बगैर अंडे की कोटिंग हुए कबाब। अगर आपको बगैर अंडे की कोटिंग हुए कबाब पसंद है तो वो बना लीजिएगा, अगर आपको अंडे की कोटिंग वाले पसंद है तो वो बना लीजिएगा। दोनों ऑप्शन आपके पास हमने आपको बता दिए हैं, आप जो आपको पसंद हो वो बना सकते हैं। शामी कबाब वो भी रेशेदार शामी कबाब बन के तैयार हुए हैं, और बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ज़्यादा लजीज बन के तैयार हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा इसका लुक है। बकरा ईद हो शामी कबाब हर घर में बनते हैं, मस्त बनते हैं, और हर घर में बने हुए फ्रिज के अंदर रखे हुए होते हैं। ये मटन शामी कबाब हो चुके हैं कम्प्लीट रेडी, ये बिल्कुल रेशेदार शामी कबाब बन गए। आपको देखेंगे, देखें क्लोज देख सकते हैं इसका, कितने जबरदस्त रेशेदार हमारे शामी कबाब बनके रेडी हो चुके हैं, और सबके घरों की रौनक होते हैं शामी कबाब। इसके बगैर तो हर दावत हर घर में अधूरा रहता है। हम कहते हैं ना तो बिरयानी हो उसके साथ कबाब हो, पुलाव हो उसके साथ, हो कोई फंक्शन हो उसके अंदर, क्योंकि शामी कबाब हमारी रौनक होती है। चाय के साथ किसी के घर जा रहे हो ना अचानक, तो वो शामी कबाब और चाय रख देते, भाई ये लोग खा लो, सबको पता है शामी कबाब हर घर की रौनक है। तो मटन शामी कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। बात ये है कि आपने गोश्त ज्यादा लेना और दाल की क्वांटिटी को कम रखना है, और दूसरी बात ये है कि आपने शामी कबाब जो बना रहे हैं उसके भी चौकर का इस्तेमाल नहीं करना, ना सिलबट्टे का इस्तेमाल करना। हमारे चौकर भी था सिलबट्टा भी था, हमने दोनों को यूज नहीं किया, हमने सिर्फ बनाया है मैशर की मदद से रेशेदार शामी कबाब। बहुत जबरदस्त बन गए, जिनका चौकर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो रेशेदार शामी कबाब बनाए और लुत्फंदोज हों और भरपूर जिंदगी अपनी गुजारे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स का बेल आइकन को जरूर प्रेस करके हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।